हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। बात करेंगे एक आज ऐसे शेयर की जो एक स्पेशलिटी केमिकल्स बनाता है, और सबसे बड़ी बात कि इस स्टॉक के अंदर वो पोटेंशियल है क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रहा है अपने आप को ये स्टॉक, और अभी अच्छी खासी करेक्शन में दोबारा से ये स्टॉक हमें अवेलेबल है। बात करेंगे फिनोटेक्स केमिकल की, जिसके अंदर अभी करेक्शन देखने को मिल रही है और एक अपना सपोर्ट लेवल जो है ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ के अराउंड ये स्टॉक क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर जैसे ही स्पॉट बनाएगा वैसे ही स्टॉक भागते हुए फिर से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, कभी ना कभी ये स्टॉक एक पैनी शेयर ही था, और पैनी शेयर से बढ़कर आज जहां 350 रुपए के आसपास पहुंच चुका, और कंपनी का मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल जाता है, तो स्पेशलिटी केमिकल्स में फिनोटेक्स केमिकल को आप एक माइक्रो कैप कंपनी को जरूर कंसिडर करके चल सकते हैं। कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मार्केट में गिरावट रहती है तो स्टॉक के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। लास्ट क्लोजिंग में ऑलमोस्ट 1.90% की गिरावट रही, और 6.85 रुपए तक स्टॉक करेक्ट हुआ। 353.60 रुपए पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी, उससे पहले दिन की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 360 रुपए पे हमें देखने को मिली थी। 5 दिन के अंदर देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट एक लो लगा चुका है 333 का, और वहां से नेक्स्ट डे ही जैसे ही मार्केट पॉजिटिव हुआ था मंगलवार के दिन, वैसे ही स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10% की तेजी दिखाई, और उसके बाद से एक रेंज में ही स्टॉक जो है कंसोलिडेट करते हुए हमें 3 दिन से देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर करेक्शन है तो स्टॉक भी करेक्ट होते हुए ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है 3 दिन से। लेकिन 5 दिन के ओवरऑल रिटर्न्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 6.5% के देखने को मिल जाते हैं। एक महीने की अगर रिटर्न्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 33% तक के रिटर्न्स फिनोटेक्स केमिकल ने दिए, और वही 6 महीने में आपका पैसा डबल कर चुका है फिनोटेक्स केमिकल। तो अभी आप खुद सोच सकते हैं कि कितना इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल, क्योंकि 160 रुपए के आसपास स्टॉक था और वहां से भागकर 353 रुपए पे पहुंच चुका है। कहां से? अप्रैल महीने में 160 रुपए के आसपास स्टॉक था, और आज वही स्टॉक 350 रुपए से ऊपर का जा चुका है, 400 रुपए तक का हाई भी लगा चुका है। इस कंपनी का अगर लास्ट क्लोजिंग डे का वॉल्यूम देखें तो 325,699 शेयर्स का वॉल्यूम रहा, और उसमें से अभी भी मार्केट ऑर्डर में ऑलमोस्ट 4,226 शेयर्स बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, और 5,080 शेयर्स जो हैं हमें सेलिंग क्वांटिटी में फिनोटेक्स केमिकल में आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में अभी भी देखने को मिल जाते हैं। मार्केट कैप 4,000 करोड़ के आसपास का पहुंच चुका है, और एक माइक्रो कैप कंपनी है, होल्ड करके चल सकते हैं क्योंकि लगातार कंपनी अपने आप को क्वार्टर टू क्वार्टर नंबर्स जो आ रहे हैं उनमें मेंटेन करती आ रही है। अभी क्वार्टर टू का जो है एंड होने वाला है, सेप्टेम्बर महीना जैसे ही खत्म होगा वैसे ही क्वार्टर टू का एंड होगा, और क्वार्टर टू के नंबर्स का इंतजार कंपनियों का स्टार्ट हो जाएगा। इस कंपनी का अगर आप फेस वैल्यू स्टॉक देखेंगे तो 2 रुपए का है, टीटीएमपी 59.60, बुक वैल्यू पर शेयर 24 रुपए की, डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड करती है 0.11% के साथ में। EPS 5.91 है, जो कि एक ग्रोइंग फैक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि किसी भी कंपनी की अगर आपको ग्रोथ देखनी है तो वहां पे आप उसका अर्निंग पर शेयर देखिए कि अगर वो ग्रो कर रहा है तो कंपनी ऑटोमेटिक अपने आप में ग्रो कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 14.48 रुपए की, और सेक्टर पे की बात करूं तो यहाँ पे 59.74 का देखने को मिल जाता है। RSI लेवल के हिसाब से स्टॉक जो है बाइंग जोन में है, अभी भी RSI जो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स के अराउंड देखने को मिल रहा है, मूविंग एवरेज जो है वो हल्का सा अबोव ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है करेक्शन का, और यहाँ पे हल्की फुल्की करेक्शन जो है आप लोगों को फिनोटेक्स केमिकल में देखने को मिल सकती है। तो अभी भी मौका है स्टॉक को बाई करके होल्ड करने का, लॉन्ग टर्म में बहुत ही कमाल के रिटर्न्स ये स्टॉक बना के दे सकता है। रेजिस्टेंस लेवल 358, 365 और 368 का है, वहीं सपोर्ट लेवल देखें तो 338 का थर्ड सपोर्ट भी देखने को मिला। फिलहाल तीनों सपोर्ट लेवल से ऊपर ही स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दे रखी है लास्ट क्लोजिंग। प्राइस परफॉर्मेंस 1 वीक की 1% पॉजिटिव, अभी तक के 3 साल में 1000% तक के रिटर्न, यानी कि 30,000 रुपए को भी 3 लाख बना चुका है ये स्टॉक। कितने दिन में? ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर बहुत ही कमाल के रिटर्न दिए हैं, और अभी तक, और 3 महीने में भी ऑलमोस्ट 110%, और 1 साल में भी ऑलमोस्ट 160% तक के रिटर्न्स फिनोटेक्स केमिकल ने इन्वेस्टर्स को बना के दिए। लास्ट क्लोजिंग डे का वॉल्यूम 3 लाख का था, उससे पहले का जो 6 लाख और 1 वीक का एवरेज 8 लाख शेयर्स का है, जहीं 1 मंथ का एवरेज देखें तो ऑलमोस्ट 15 लाख शेयर्स के आसपास का देखने को मिल रहा है। रिवेन्यू देखिए क्वार्टर वन के अंदर 368 करोड़, ऑलमोस्ट अच्छा खासा जंप जो है रिवेन्यू में देखने को मिला, तो प्रॉफिट में भी जंप आया, ऑलमोस्ट 56 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है फिनोटेक्स केमिकल ने जनरेट करके दिखाया।
ईपीएस देखिए कितना अच्छा बढ़ रहा है, 2021 में जहां 3.84 था वही बढ़कर अब 4.97 हो चुका है, और प्रमोटर स्टेक ऑलमोस्ट 65% है, एफआई का स्टेक बहुत कम है, और डीआई का स्टेक 5% के आसपास है, और पब्लिक का स्टेक 30% के आसपास देखने को मिल जाता है। कंपनी अच्छी है, रिस्की कंपनी है, तो रिस्क है तो आपको पता है कि रिस्क जहां रहेगा वहां प्रॉफिट के भी चांसेज हैं और नुकसान के भी चांसेज हैं, इसीलिए इस कंपनी को आप कंसिडर करके चल सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, अभी भी बाय करके होल्ड करके चलिए स्टॉक को, रिटर्न्स बनाने की क्षमता इस केमिकल सेक्टर के शेयर के अंदर देखने को मिल जाती है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।